17 दिसंबर को मेरा फुफेरा भाई कुशियार काट लिया था। उसके बाद हम अपने फुआ और कुंदन दास को लेकर अनुमंडल अस्पताल मधुपुर पहुँचे। अनुमंडल अस्पताल पहुँचने पर उस समय रमेश कुमार डॉक्टर का ड्यूटी था। बच्चा को देखकर टिटभैक हम लोग को बाहर से लेने बोले और रेबीज का इंजेक्शन बोले कल आना दे देंगे। शाम हो चुका था। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए मुकेश के पास। मैया के लिए अस्पताल देखने वाला सुइया दे आल तक मैं ये करके एगो सुइया बोले काल देबो और एगो सुइया बाहर से बोल ले बाहर बाहर न ले जी और तोरा सुइया न देलको ने। उसके बाद ये जब फोन किया तब टिटभैक हम लोग को वहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध हुआ। उसके बाद हम लोग को टिटभैक दिया और बोला कि कल रेबीज का इंजेक्शन देंगे। 3 बार रेबीज का इंजेक्शन दिलवाए। उसी के बीच कल पानी पीते समय पूरा मिर्गी जैसा करने लगा तो हम लोगों को शक हुआ कि कहीं इसको विष लग गया है। फिर अनुमंडल अस्पताल मधुपुर ले गए। उस समय ड्यूटी था देवानंद कुमार का, उसको दिखाए तो पानी पिलवा के देखा बच्चे को तो मुँह मिर्गी जैसा करने लगा। तो डॉक्टर साहब बोले इसको रेबीज डेवलप कर गया है, इसको सदर हॉस्पिटल ले जाइए। इसको ज़्यादा सीआर काट लिया था, इसको डबल डोज पड़ना चाहिए था लेकिन दिया गया इसको सिंगल डोज, इसीलिए रेबीज डेवलप कर गया है, इसको ले जाइए सदर हॉस्पिटल। सदर हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ से रेफर कर दिया रिम्स, यहाँ इलाज नहीं है बाबू रिम्स ले जाओ। और एम्बुलेंस वाला 6,000 रुपया मांग रहा था, उसके पास पैसे नहीं जुटा पाने की वजह से हम लोग पैसे व्यवस्था करने के लेकर रात को घर चले आए। पैसे की व्यवस्था करके सुबह हम लोग रांची निकलते कि 3 बजे भोर बच्चा मेरा सवाल ये उठता है कि जब सरकारी अस्पताल में 24 घंटा रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध रहना अनिवार्य है तो वहाँ पे इंजेक्शन उपलब्ध क्यों नहीं था। और यह घटना एक घटना नहीं है बल्कि पिछले महीना भी 12 नवंबर को आनवी ने अपने डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से अपने बच्चा को गंवा दी और इस तरह करके कई लोगों का जान यहाँ पे जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप लोग सोच विचार करें और ऐसा कुछ कदम उठाए ताकि इस तरह का घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। जब हम लोग जैसे गरीब आदमी अस्पताल पहुँचते हैं तो हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार क्यों किया जाता है? इंजेक्शन नहीं देता है, समय पर इलाज नहीं करता है। जब नेता या उच्च वर्ग के लोग कोई फोन करता है उसके बाद हम लोगों को सुविधा दी जाती है और नहीं तो पहले सुविधा नहीं दी जाती है। गरीब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास तो उनकी बातों को गंभीरता पूर्वक लेके उनको उनके अनुरूप उनका इलाज क्यों नहीं करते? जब एक शिक्षित लोग या कोई बाहर से लोग उसको फोन करते कोई दबाव डालते तो जाके उस तरह की बातों को गंभीरता पूर्वक लेते, लेकिन वो एक आम आदमी के आम लोगों का बातों को गंभीरता पूर्वक क्यों नहीं लेते? ये बड़ा बुरा लगता है और ये समाज में ये सब कुरीतियों को दूर करना चाहिए, ये सब चीज़ों को हटाना चाहिए। अगर ये समाज में होता रहेगा